कोरोना के कारण लंबे समय से श्रद्धालुओं के लिए बंद महाकाल मंदिर के पट 28 जून से खुलने वाले हैं, लेकिन अब भक्तों को कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ और भी कई नियम और पाबंदियां माननी होगी। अगर किसी ने इनकी अनदेखी कर मंदिर में घुसने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सीधे FIR होगी। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि 22 जून से ऑनलाइन परमिशन की लिंक खुल जाएगी, लेकिन किसी भी श्रद्धालु ने वैक्सीन सर्टिफिकेट बदलने, मैसेज को मैनिपुलेट करने या फिर किसी अन्य के सर्टिफिकेट पर मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की तो उन श्रद्धालुओं के खिलाफ धारा 188 और 420 में मामला दर्ज कराया जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए 28 जून से दर्शन शुरू किए जाएंगे। अभी चूँकि कोरोना का संक्रमण कम हुआ है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है और महाकाल मंदिर के में दर्शन व्यवस्था हम लोगों ने शुरू करी है, लेकिन कुछ उसकी गाइडलाइंस रखी हैं। उन गाइडलाइन का पालन करना अत्यंत आवश्यक है जिससे कि हम लोग दर्शन व्यवस्था भी संचालित कर सकें और साथ में कोरोना के संक्रमण का खतरा भी न हो। और अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ की इसमें कोई वायलेशन करता है, इसमें कोई अवहेलना करता है, नियमों का पालन नहीं करता है तो इसमें धारा 144 का हमारा आदेश जो लागू है उसके तहत 188 का प्रकरण भी हम लोग दर्ज करेंगे और भी कार्रवाई करेंगे। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि कृपया जो नियम बनाए गए हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं कि दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, कभी भी इसमें बाधा ना आए। जैसा कि मंदिर बंद करने की हमको कई बार आवश्यकता पड़ती है, अगर सभी का सहयोग मिला तो निश्चित रूप से हम लोग इसको अनवरत जारी रखेंगे। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में ये निर्णय लिए गए। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बैंडवाल की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।